ऑफ रिवेंज. इन दिस एसे बेकन डिस्कस हिज ओन आइडियोलॉजी अबाउट रिवेंज. रिवेंज इज नॉट गुड फॉर मैन एंड सोसाइटी ऑल्सो. बेकन ऑलवेज अगेंस्ट द एक्ट ऑफ रिवेंज एंड ही कंसिडर इट टू बी मॉरली रॉन्ग. इन द ओपनिंग लाइन बेकन कहते हैं, बदला लेना एक जंगली इंसाफ है, वाइल्ड जस्टिस, जिसमें इंसान नेचुरली इन्वॉल्व होता है. इंसान को बदला लेने से प्लेजर हासिल होता है और इसे मिटाने के लिए लॉ और कानून बनाने चाहिए सोसाइटी में, क्योंकि रिवेंज एक गलती नहीं, ये एक हार्म नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है और इस गलत चीज़ को लॉ के ज़रिए ख़त्म कर देना चाहिए. अक्सर हम देखते हैं बदला लेने के चक्कर में लोग खुद को सुपीरियर साबित करना चाहते हैं, मगर वो ये भूल जाते हैं वो अपने एनिमी दुश्मन को माफ करके मॉरली सुपीरियर बन सकते हैं, और ऐसा करने से वो किसी राजकुमार या राजा से कम नहीं होते. माफ कर देने वाला मोस्ट मर्सीफुल होता है. अकॉर्डिंग टू बिब्लिकल रेफरेंस, किंग सोलोमन वंस सैड, इंसान की खूबी है कि वो अपने जुर्म गुनाहों से ऐसे गुजर जाता है जैसे हमारा पास्ट माजी गुजर जाता है, और हमारा पास्ट कभी नहीं बदलता. मगर अकलमंद समझदार लोग वो हैं जो अपने प्रेजेंट आज को बेहतर बनाते हैं ताकि उनका पास्ट अच्छा हो सके. और कहते हैं, देर इज नो मैन डॉथ अ रॉन्ग फॉर रॉन्ग सेक. इट मीन्स इंसान बुरा नहीं होता, उसके कर्म उसे गलत और बुरा बना देते हैं. इंसान गलत नहीं होता गलत काम करने के लिए, उसके पीछे बहुत सी वजह हो सकती हैं, जैसे कि एक चोर चोरी करता है, वजह उसकी ज़रूरत, मजबूरी, लालच, इज्जत, हार्म, सेल्फ इंटरेस्ट, प्लेजर, बेनिफिट एट्सेट्रा, कुछ भी हो सकती है वजह. द सेम वे बेकन सेज, अ मैन डज नॉट डू विकेड और एविल थिंग्स जस्ट टू डू इट. वो कर गुजरता है. कोई भी इंसान बुरा नहीं होता कोई बुरे काम करने के लिए, बस वो गलत काम वो कर गुजरता है. समवन डज समथिंग रॉन्ग दैट दे वुड गेट सम प्लेजर और प्रॉफिट. और फिर बेकन क्वेश्चन करते हैं, हमें क्यों नाराज होना चाहिए किसी इंसान से इन सारी बातों को जानने के बाद. बेकन इस तरह का सवाल करते हैं हम सब से, क्योंकि इंसान एक सामाजिक जानवर है और वो जो भी करता है अपने मतलब और सेल्फ इंटरेस्ट के लिए करता है. और आगे बेकन कहते हैं, अगर कोई इंसान गलत करता है तो ये उसकी फितरत है, उसके नेचर में है, ये सारी चीजें उसके नेचर में है. हमें उसे ब्लेम नहीं करना चाहिए, जैसे कि गुलाब के साथ कुछ कांटे होते हैं, उसी तरह सोसाइटी में कुछ अच्छे तो कुछ बुरे लोग भी होते हैं. तो जिस तरह हम गुलाब के चुभने वाले कांटों को इग्नोर कर देते हैं, उसी तरह हमें इन बुरे लोगों को भी इग्नोर नजरअंदाज कर देना चाहिए. अकॉर्डिंग टू बेकन देयर इज टू काइंड ऑफ रिवेंज. दो तरह के रिवेंज होते हैं. फर्स्ट मोस्ट टॉलरेबल रिवेंज, सेकंड मोस्ट जेनरस रिवेंज. अब टॉलरेबल क्या होता है? टॉलरेबल जिसमें इंसान ज्यादा उसके अंदर पेशेंस होता है, सबर बहुत होता है उसके अंदर. तो कहते हैं, द मोस्ट टॉलरेबल रिवेंज इज वेयर नो लॉ टू रेमेडी. रिवेंज को मैनेज या बर्दाश्त करना तब मुश्किल हो जाता है जब उसका कोई उपाय, सॉल्यूशन या सोसाइटी में कोई लॉ ना हो, लेकिन फिर भी इंसानों में रिवेंज की डिजायर बाकी रहती है. देयर इज नो पनिशमेंट अगेंस्ट रिवेंज फॉर एनिमी. अगर पनिशमेंट होती तो विक्टिम को एनिमी के लिए होशियार होना पड़ता, अदरवाइज एनिमी उस पर कानूनन और लॉ के जरिए एक्शन लेता, उस पर रिवेंज अटैक चार्ज लगाता और विक्टिम के साथ दोबारा बुरा हो जाता, वो दोबारा सफर करता. एक तो वो कि उसके साथ बुरा हुआ और वो रिवेंज लेना चाहता है, दूसरा उसे लॉ ने पनिश कर दिया. सेकंड, द मोस्ट जेनरस रिवेंज इन विच द पार्टी रिपेंट ऑन हिज मिस्टेक. मतलब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारे साथ गलत करने वाले को गलती का एहसास हो और वो गिल्ट करे और वो सामने से आके माफ़ी मांगे. मगर कुछ मक्कार और बुजदिल इंसान हमारे सोसाइटी में हैं जो तीर के मानिंद होते हैं, जो छुपकर इनडायरेक्टली रिवेंज लेते हैं और किसी को भी पता नहीं चलता. आगे बेकन कॉस्मोस डिको फ्लोरेंस का एग्जाम्पल देते हैं.
कॉस्मोस ने कहा था, अगर तुम्हारे साथ किसी ने गलत किया है तो उस एनिमी दुश्मन को गुडनेस मैनकाइंड के खातिर माफ कर दो, मगर वही गलत अगर तुम्हारे किसी फ्रेंड ने किया हो तो उसे कभी माफ मत करना, बल्कि उससे रिवेंज लेना। ऑन दी अदर हैंड, बिब्लिकल कैरेक्टर जॉब ये क्या कहता है, अच्छी और बुरी चीजें दोनों ही गॉड ने बनाई हैं, तो हमें अच्छे और बुरे लोग भी मिलते हैं, तो हमें बुरे लोगों को या जो हमारे साथ जो बुरा करते हैं उन्हें माफ कर देना चाहिए, हमें उनसे रिवेंज नहीं लेना चाहिए, उन्हें अपना एनिमी नहीं बनाना चाहिए, ये ऐसा कहता है। इन एडिशन, एक आदमी जो बदला लेने की ख्वाहिश रखता है तो वो अपने साथ हुए गलत एक्शन और बेइज्जती को कभी नहीं भूलता, वो हमेशा अपने इस जख्म को हरा रखता है, यानी अपनी यादों को ताजा रखता है उसे बार बार याद करके, और उसका टारगेट होता है रिवेंज, रिवेंज लेना है। अगर वो ऐसा ना करे तो उसके दिमाग से ये सारी बातें धुंधली हो जाएंगी, मिट जाएंगी, और वो एक दिन उसे माफ कर देगा। आगे ऐसे की फाइनल लाइनों में बेकन कहते हैं, रिवेंज दो तरह के होते हैं, पब्लिक रिवेंज और प्राइवेट रिवेंज। ओके, पब्लिक रिवेंज क्या होता है देख लेते हैं। पब्लिक रिवेंज जिसमें इंसान अपने एनिमी से पब्लिकली रिवेंज लेता है, बदला लेता है और नाम, इज्जत, खुशहाली हासिल करता है, जैसे कि असैसिनेशन ऑफ रोमन एम्परर, जैसे डेथ ऑफ जूलियस सीजर, डेथ ऑफ हेल्वियस पार्टिनेक्स, डेथ ऑफ हेनरी थर्ड ऑफ फ्रांस एंड मेनी मोर। इनके एनिमीज ने इन्हें मार के लोगों में अपनी इज्जत और डर बनाया था। प्राइवेट रिवेंज जिसमें इंसान विचेस की लाइफ जीता है और हमेशा मौके की तलाश में रहता है, छुप के रिवेंज लेता है और कभी भी सामने नहीं आता, एक दिन उसका खात्मा भी चुड़ैलों जैसा ही हो जाता है। इन दिस एसे बेकन ट्राइज टू एक्सप्लोरिंग इश्यूज ऑफ जस्टिस एंड मोर्टैलिटी, डिमॉन्स्ट्रेटिंग हाउ बोथ मेक रिवेंज नॉट ओनली अनजस्ट बट इवन इलीगल। बेकन गिव्स अस एडवाइस टू मूव ऑन फ्रॉम सिचुएशन इन विच समवन डज यू रॉन्ग एंड सीकिंग यू रिवेंज इज यूजलेस थिंग। फॉर दैट्स इट इन दिस वीडियो लेक्चर, हेयर आई एम टेकिंग योर लीव। वी विल मीट सून विथ अनदर वीडियो इन दिस सीरीज। टिल दैन स्टे ट्यून्ड एट आवर चैनल एंड हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल नोटिफाई फर्स्ट व्हेन वी अपलोडेड न्यू वीडियो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल सो प्लीज लाइक एंड शेयर विथ अदर लर्नर्स।